ज्ञान ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि YouTube चैनल को AdSense के साथ कैसे जोड़ते हैं और फिर YouTube वीडियोज को मोनेटाइज कैसे करते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपका चैनल वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका चैनल वेरीफाइड नहीं होगा तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। अब चैनल को वेरीफाइड कैसे करें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उस लिंक पे आप जाके उस वीडियो को पहले देख लें कि चैनल को वेरीफाइड कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको धुंधली दिखाई दे रही है या फिर क्लियर नहीं आ रही है तो आप नीचे जो चक्री से बनी है उस पे क्लिक करके उसका रेजुलेशन 420p या 720p करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर में। सबसे पहले ऊपर ब्राउजर में www.youtube.com खोल के माई चैनल पे क्लिक करिए। अब ये माई चैनल का पेज खुल गया। यहाँ पे हम एक डमी चैनल का यूज करने वाले हैं जो हम कम यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं। उसमें आपको हम मोनेटाइजेशन करके बताएंगे। तो इसके लिए ऊपर वीडियो मैनेजर पे क्लिक करिए और इधर चैनल पे क्लिक करिए। अब ये चैनल की सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोनेटाइजेशन ये है सबसे पहला नंबर और ये इनेबल नहीं है। जब हम इसे इनेबल करेंगे तो ये इस प्रकार से इनेबल्ड का जो ये आ रहा है इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से हम इस इनेबल के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मोनेटाइजेशन आ गया है नीचे। इनेबल माई अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये आए इसके टर्म एंड कंडीशंस, इसके नियम को हमें अग्री करना होगा। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल हम नीचे जो ये तीन बॉक्स दिए हुए हैं उससे देख लेते हैं। सबसे पहला है आई हैव रेड एंड अग्री टर्म कंडीशंस, हम इसके टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं। दूसरे में है कि हम अपने ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, इस नियम को हम पालन करेंगे, इसे भी टिक कर देते हैं। और इसे नीचे हम किसी को मतलब कि मोनेटाइजेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों बॉक्स जो है वो टिक मार्क होने चाहिए। उसके बाद एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पॉपअप आ गया। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपका मोनेटाइजेशन के लिए एक्शन में जाके मोनेटाइज को क्लिक करके कर सकते हैं। फिलहाल हम गो इट पे क्लिक कर देते हैं। ये फिर से हमें यूट्यूब में लाया है वीडियो मैनेजर में। हम फिर से चैनल के बटन पे क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाते हैं। ये सेटिंग्स खुल गई। अब आप देखेंगे तो मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल्ड आ रहा है। व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग पर आप क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जो है इसके नियम दिए हुए हैं, सारे नियम आप इसे जरूर पढ़ लीजिए, इससे आपको आसानी होगी समझने में। यहाँ पे बहुत सारे नियम कानून दिए गए हैं, इसे आप जरूर पढ़िएगा। फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं। और यहाँ जो एक है टैब हाउ विल आई बी पेड, उसमें दिया हुआ है पेमेंट आर मैनेज थ्रू ए गूगल एडसेंस अकाउंट, यू मस्ट एसोसिएट एन एडसेंस अकाउंट टू योर यूट्यूब अकाउंट इन ऑर्डर टू बी पेड। जब तक आप अपने यूट्यूब अकाउंट को एडसेंस अकाउंट से नहीं जोड़ेंगे आपको मोनेटाइजेशन हो या ना हो पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए एसोसिएट एडसेंस अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब आगे के प्रोसेस के लिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये अब गूगल एडसेंस का जो है पेज खुल गया है। यहाँ पे आपके पास पहले से अगर अकाउंट है तो उसमें
आ जाएगा अपने आप। उसमें अगर आपको इस जीमेल से गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो ये इस पर क्लिक कर दीजिए, या तो फिर आप एक नया चैनल भी बना अकाउंट भी बना सकते हैं। फिलहाल हम यस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये आ गया, यहाँ पे एडसेंस जो है वो अपने आप यूट्यूब चैनल का यूआरएल डिटेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपका चैनल हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इंग्लिश सिलेक्टेड है इसलिए हम इसे इंग्लिश ही छोड़ देते हैं और एक्सेप्ट एसोसिएशन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए एसोसिएटिंग हो रहा है, रिडायरेक्ट यू बैक टू यूट्यूब, हमें यूट्यूब में बैक ले जाया जा रहा है और हम ये यूट्यूब में फिर से आ गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो योर एडसेंस एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड एंड बीइंग रिव्यूड, मतलब हमारा जो है एप्लीकेशन अब दर्ज हो गया है, अब वो रिव्यूड हो रहा है। अब आपको हम बता देते हैं अपने एक वीडियो में मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक वीडियो है। अब जब मोनेटाइजेशन नहीं करते हैं तो ये जो डॉलर का साइन है ग्रे कलर का होता है, नॉट मोनेटाइज्ड। जब हम इसे मोनेटाइज करेंगे तो ये हरा रंग का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। चलिए हम इसे मोनेटाइज कर लेते हैं। तो जिस भी वीडियो में आपको मोनेटाइजेशन करना हो उसे आप सिलेक्ट करिए और एक्शन के नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें से आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पॉपअप आ गया है, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आपकी ऐड जो है वो किस प्रकार से दिखेगा। ऐड के कई फॉर्मेट होते हैं, ये साइड से या फिर नीचे या फिर वीडियो के बीच में भी दिखाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये तीन जो बॉक्स हैं वो टिक मार्क होने चाहिए और उसके बाद मोनेटाइज के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये देखिए अब ये मोनेटाइज हो गया और ये जो बटन जो था वो ग्रीन कलर का हो गया, हरा हो गया। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं।